हेलो दोस्तों, आज हमने 2 HP की एक मोटर रिवाइंड की है। उसके अंदर देखते हैं हम कि ये जो क्लच होता है, क्लच किस तरह से काम करता है। कई बार क्या होता है, क्लच की सेटिंग सही नहीं होने की वजह से ये मोटर है वो हैंड टू हैंड जल जाती है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा क्लच प्रॉपर काम करता है या नहीं करता। जान लेते हैं क्लच काम क्या करता है। जो मोटर का क्लच होता है वो स्टार और डेल्टा की रनिंग वाली जो कॉइल होती है उन दोनों को अलग करता है। स्टार की कॉइल जब मोटर चालू होती है तब काम करती है, लेकिन जब चालू होने के बाद वो अपने पूरे RPM पकड़ लेती है तब वो मोटर का जो सेट होते हैं उनको अलग करने का काम क्लच ही करता है। और रनिंग कैपेसिटर होता है वो भी अगर ज़्यादा टाइम चलता है तो शॉर्ट हो जाता है, तो उसको भी अलग करने का काम क्लच करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं क्लच की सेटिंग कैसे करें। देखिए, ये हमारे पास में ये मोटर है, इसका ये आर्मेचर है और ये हमारा क्लच और ये है इस मोटर का गवर्नर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मोटर का क्लच सही। चेक करने के लिए सबसे पहले ये गवर्नर होता है, ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये जब नीचे प्रेस होता है तो ये दोनों अलग हो जाती है। अब जब मोटर ज़्यादा RPM पकड़ती है तब एक तो प्रेशर की वजह से, दूसरा ये जो कॉइल होती है वो मैग्नेट बनाती है और मैग्नेट बनाने के बाद में ये जो लोहे की चीज़ होती है उसको अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह जब इस तरह अपने तरफ खींचती है तो ये गवर्नर के नीचे एक प्लास्टिक का वाइशर लगा होता है, वो आगे चला जाता है जिससे क्लच छोड़ देता है और पहले ये यहाँ पर रहता है, तब कंटिन्यूटी आती रहती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं क्लच कहाँ पर टच होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों को हम मल्टीमीटर में दोनों प्रोब को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, इन दोनों को कनेक्ट कर दो। अभी ये देखिए हमारा मल्टीमीटर का प्रोब है वो कुछ नहीं बता रहा है, और जैसे ही हम इस क्लच को दबाएंगे तो मल्टीमीटर चढ़ जाएगा। ये देखिए, ये मल्टीमीटर ने कंटिन्यूटी बता दी है। तो जब हम मोटर फिट करते हैं तब ये क्लच कहाँ पर रहना चाहिए, इसकी स्थिति क्या रहती है। अगर हम मोटर के अंदर इसको फिट करके चेक करेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको फिट करने वाले हैं बाहर ही। पहले देखो, ये देखिए इस तरह से ही है। मैं मल्टीमीटर पास में रख देता हूँ। अभी देखिए मल्टीमीटर कुछ नहीं बता रहा है, तो इसको क्या करना है, ये पास में आते ही अभी ये क्लच मल्टीमीटर बता रहा है, जिसका मतलब जब ये आगे जाएगा तब भी ये क्लच को छोड़ नहीं पाएगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तब भी हमारा क्लच, अभी ये देखिए बेयरिंग है इसका, ये जो बाहर है इतनी दूरी के अंदर भी ये बता देता है, तो इसको हम पास में लाएंगे। अब ये बता रहा है ये नहीं बताना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड दे देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको बेंड दे देते हैं यहाँ पर, जिससे ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। दोनों को बराबर देना है। हम इसको वापस फिट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए अभी मेरा मल्टीमीटर फिर बता रहा है। ये नहीं बताना चाहिए, अब मैं इसको वापस और बैंड दे रहा हूँ ज्यादा थोड़ा सा। ये अभी देखिए अभी मेरा मल्टीमीटर ये जो नहीं बता रहा है, ये मल्टीमीटर नहीं बता रहा है, और यहाँ पर ये अभी ये बेरिंग है इतना बाहर है ये, और ये मल्टीमीटर नहीं बता रहा है। तो मैं इसको वापस अब फिट करने की कोशिश करता हूँ। अभी बेयरिंग थोड़ा बाहर है,
ये देखिए अब बता दिया है, और हमारे बेरिंग के पास में ये जो जगह है ये इतनी सी है, ये देखिए ये लगभग 3 mm के आसपास। तो अब अगर ये 3 mm से थोड़ा सा इधर आएगा तो ये देखिए, यानी कि मोटर पूरी फिट होने से पहले नहीं बताना चाहिए और फिट होता ही बता देना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं अपने सहयोगियों से ये मोटर फिट करवा रहा हूँ। अभी देखिए ये मोटर लगभग फिट हो चुकी है, लेकिन मेरा ये जो क्लच है ये अभी तक कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मैं इसको अपने सहयोगियों से टाइट करवा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों अभी मेरी पूरी मोटर फिट हुई है, तब ये मल्टीमीटर का प्रोब है ये जो कंटिन्यूटी क्लच को बता रहा है। इस कंडीशन में क्या हुआ, अब ये जो मोटर है इसको ज़्यादा जगह नहीं लेनी पड़ेगी, वो गवर्नर हटते ही क्लच अपने आप हट जाएगा, जिससे इस मोटर के अंदर इस तरह से जलने वाली समस्या कभी नहीं आएगी। थैंक यू दोस्तों।